हेलो स्टूडेंट्स मैं अभिनव शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे और एक थ्योरम डिस्कस करेंगे उस डेफिनेशन के ऊपर जो बेस होगी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एप्स एप्स क्या होता है लिख ले लेते हैं पहले एन एप्स इज़ ए पॉइंट Is a point on central orbit, is a point on central orbit at which the radius vector, radius vector drawn from the center of force, from the center of force. हैज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैज़ ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेंट्रल ओरबिट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था वहाँ जाकर देख सकते हो एप्स क्या कहता है एप्स वो पॉइंट है सेंट्रल ओरबिट के ऊपर कि रेडियस वेक्टर हम ड्रा करते हैं सेंटर ऑफ फोर्स से हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी जैसे सेंट्रल ऑर्बिट कर्व था जो हमारे पास उस पर हम ये सेंटर ऑफ फोर्स होता है वो हम रेडियस वेक्टर आर ड्राउन करेंगे उसके ऊपर ये रेडियस फैक्टर आर है अगर हम ड्रा करेंगे उसके ऊपर ये पी आर टीटा तो उस पॉइंट जिस पॉइंट पर उस रेडियस वेक्टर की मैक्सिमम सेंट्रल ऑर्बिट पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो पॉइंट एप्स होगा जो ये आर है आर ये वैल्यू होती है जो ये चेंज होती है ये यहाँ था तो आर कुछ कि मैक्सिमम कुछ और है जैसे ये वैल्यू आर यहाँ पर है ये आर है और आर यहाँ पर है जैसे ये पॉइंट सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर वो पॉइंट है जिस पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है और ये वो पॉइंट है जिसकी वैल्यू मिनिमम है तो ये मैक्सिमम पॉइंट है अगर सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर रेडियस फैक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ फोर से तो ये पॉइंट क्या होगा एप्स होगा इस पॉइंट को हम एप्स कहेंगे या उसकी मिनिमम वैल्यू हो तो उस पॉइंट को हम एप्स कहेंगे तो और एपसाइडल जो ये डिस्टेंस होगा ओ से यहाँ तक का इस पॉइंट तक का इसको हम एपसाइडल डिस्टेंस कहते हैं और जो एंगल होता है टू कंसेक्यूटिव एपसाइडल डिस्टेंसिस के बीच में जैसे दो एपसाइडल डिस्टेंसेस हैं जो इसके बीच का एंगल होगा ये एंगल जैसे थीटा ले लिया जो ये एंगल होगा इन दो के बीच का इसको हम बोलेंगे लेंगे एपसाइडल एंगल तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एपसाइडल डिस्टेंस की पहले एपसाइडल डिस्टेंस एपसाइडल डिस्टेंस क्या होगा द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस

एंगल और हम इस एप्स पर जो रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के मतलब एट एन एप्स द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर दैट इज़ एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इस थ्योरम का अगर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एट एन एप्स ये थ्योरम है हमारे पास एट एन ऐप्स द रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ये परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लेना आप टू टेंजेंट हमें पता है इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे लेट यू क्या होता है यू इज इक्वल टू वन बाई आर अब जो एप्स के ऊपर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी तो उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगी वो वैल्यू जीरो होगी एप्स के केस में जो हम ये डी यू बाई डी टीटा निकाल देंगे यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास जीरो आती है एप्स के केस के अंदर ये आपको याद रखना है और डी आर अपॉन्ट डी की वैल्यू भी क्या आती है जीरो आती है और पी की वैल्यू आर के इक्वल आती है और अब अब हम प्रूव करेंगे जो फाइव होता है वो नाइन्टी होता है ये चार कंडीशन हो जाएंगी अब इसकी तो क्या आएगा डी ओ पन्न में डी टीटा की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू ज़ीरो तो पैडल इक्वेशन लिखेंगे हम हमने अब पिछले लेक्चर में ड्राइव की थी वन बाय पीस केयर जो हमें ये इक्वेशन है मतलब ये हमने पीछे ड्राइव किया था इसके बारे में मतलब पैडल इक्वेशन ये हमने पैडल इक्वेशन में जैसे पिछले लेक्चर आप देख लेना वहाँ पर ये इक्वेशन थी फोर एनी कर्व के लिए यू स्केयर प्लस डी यू अपॉन में डी थीटा का स्केयर ये थी वहाँ पर तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो डी यू अपोन में डी ठीटा तो क्या आएगा वन बाई पी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर और यू क्या होता है वन बाय आर होता है तो वन बाय पी स्केयर इज इक्वल टू वन बाय आर स्केयर यहाँ से पी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई यहाँ से पी की वैल्यू आ गई आर के इक्वल तो अर पी हमने डिराइव किया था जो इक्वेशन वाली फॉर्म में वो क्या होता है आर साइन फाइव होता है इज यूकल टू आर ये आर से कैंसिल तो साइन फाइव की वैल्यू आ गई वन तो फ़ाइव की वैल्यू आ गई फाइव बाई टू ये हमने ड्राइव कर लिया कि एप्स द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस फैक्टर और रेडियस वैक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थैंक यू